हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज जो है अमीन चल रहा है। अमीन में मैंने जो है कुछ रिएक्शंस करा दी हैं। पहले मैं बता दूं आपको, पिछले वीडियो में बताया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अमीन के वीडियोस, दो वीडियोस में वो कल सारे कंप्लीट कर दिए हैं। रिएक्शंस कुछ ज़्यादा ही हैं, मैंने ये सारी नोट डाउन कर रखी हैं, तो इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए इसमें मैं जो है बहुत सारे पार्ट्स बना रही हूँ, क्योंकि ये एक साथ में करने पे आप भी बोर हो जाओगे और हमें भी थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो पहले मैंने इसलिए कलेक्ट कर रखे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, आपको ये सारी नोट्स सामने दिखेंगे तो आपको अच्छा सा लगेगा पढ़ने में, और आपको नोट्स भी मिल रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें दोबारा से एक बार रिविजन और करा देती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले मिनरल एसिड के साथ में कराई थी, जिससे कि जो है अमीन बनाता, सॉरी सॉल्ट बनाता अमीन के साथ में। अगर हम टर्शरी एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो एलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाता है, ठीक है। ऐसा एल्काइलेशन करते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्ट तक ये रिएक्शन जाती है, और एसाइलेशन करते हैं तो एन एथिल एसिटामाइड बनता है, और सेकेंडरी अमीन भी एसाइलेशन हो जाता है और टर्शरी अमीन का एसाइलेशन नहीं होता। और मैन एडजस्ट मिथाइलेशन, यानी कि पहले देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अमीन इंटू क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बाई ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ CH3I, एडजस्टिव मेथाइलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा CH3I ऐड करने पे जो सॉल्ट बनेगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट जो ये बना है, फिर ये क्या करेगा, Ag2O से रिएक्शन करेगा एंड क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर H2O निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। और निकलना मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन। H2O का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है बेंजोइलेशन, ये आपको दिखी रही है, बेंजोलाइट बन जाएगा एनिलीन के साथ में C6H5COCl ऐड होकर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी मैंने पढ़ा दिया था। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारी जो रिएक्शन होती हैं बेंजीन रिंग सॉरी एनिलीन को प्रोटेक्ट करके करी जाती हैं। जो प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिव किससे होती हैं, एसिटिल ग्रुप या एसिटिक ग्रुप, यानी कि CH3COCl से या एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोटेक्ट करके। और फिर यहाँ पे मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, फिर H2O से जो है CH3COOH निकल जाता है और मेजर माइनर बन जाते हैं। और यहाँ पे माइनर क्यों, माइनर होगा ऑर्थो वाला और मेजर होगा पैरा वाला, क्योंकि ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट लगता है और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगता है, ये याद रख लेना। व्हेन सल्फोनेशन अकर्स, ऐसे ही सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में जिटर आयन बनेगा। तो आगे देखते हैं एनिलीन का नाइट्रेशन, अगर हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में करते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बिलामीन रिएक्शन में मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, और हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल में जो है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। और इसमें दो रिजेंट याद रखने हैं, CH2 और एक HgCl2। रिएक्शन पूछ ली जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन आ भी जाता है। सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करता है और HgCl2 से रिएक्शन नहीं करता है, और टर्शरी अमीन तो CH2 से ही रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो रीजन आप जानते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को ही तो ऐड हो रहा है इसमें, है ना, तो उसके वजह से ही रिएक्शन है। और COCl2 फॉस्जिन गैस के साथ में बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट, ये आप प्रोडक्ट याद कर लेना। एल्डिहाइड के साथ में सिर्फ रिएजेंट बनता है या सिर्फ बेस बनता है या बनता है एल्डिमीन इसका नाम। और नाइट्रोसिल क्लोराइड, अब रिएक्शन नंबर 11 यहाँ से आज का स्टार्ट होता है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में देखो मैंने इसको तोड़ के रख दिया, RnH2, RnH2, तो R से Cl, N से N, H2 से O, तो ये बन जाए RCl, ठीक है। रिएक्शन इजी है। सेकेंडरी अमीन क्या बनाता है, R2NNO, यानी कि N नाइट्रो डाई एल्काइल अमीन, या ये ऑयली कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आगे रिएक्शन में फिनाइल आइसोसाइनेट, तो फिनाइल आइसो C6H5NCO के साथ में अमीन रिएक्शन करता है तो C6H5NHCO NHR बन जाता है, यानी कि यहाँ से ऐड करके।
सेकेंडरी अमीन बनाता है सिक्स एच पाइस एन एच सी ओ एन आर टू, यहाँ पे एन एच आ रहा है वैसे इसको एन आर टू बन जाएगा सेकेंडरी अमीन से, बट बोथ प्रोडक्ट आर सब्स्टिट्यूट यूरिया। तो ये दोनों देखो, यूरिया का फॉर्मूला क्या था, एन एच टू सी ओ एन एच टू है ना, तो यहाँ पे सी ओ ग्रुप तो दोनों में है, ठीक है। अब तो एन एच टू के जगह एन एच आर हो गया, यहाँ पे एन आर टू हो गया, यहाँ पे सी सिक्स एन एच एन से एच और ये सी सिक्स एच फाइव, एन से एच और ये सी सिक्स एच फाइव, ठीक है। तो बोथ सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। रिएक्शन विद होपमैन रिएजेंट, होपमैन रिएजेंट क्या होता है, ये रिएक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।